हेलो गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू पार्ट थ्री, क्वींस गैम्बिट का पार्ट थ्री, दैट इज क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। हमने पहले पार्ट में देखा था d4, d5 एंड c4, दिस इज कॉल्ड एज क्वींस गैम्बिट। फ्री में पॉन मारने देते हैं उसको, गैम्बिट बोलते हैं, पर वो वापस रिकवर कर लेंगे। अब उसके बाद क्या देखा था हमने कि अगर उसने नाइट f6 खेला तो हम मार देंगे, और फिर वो क्वीन या नाइट जिससे भी मारता है अकॉर्डिंगली हम लोग नाइट c3 या e4 खेल लेंगे। उसके बाद हमने देखा था क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड इन पार्ट टू, कि अगर उसने मारा तो हम लोग e3 खेलेंगे आगे, एंड कैसे अगर वो उसको नाइट f6 और आगे गेम कंटिन्यू करना है, अगर b5 का ट्रैप आया तो e4 डालते हैं। अब क्वेश्चन है कि उसने वो समझ गया कि चलो मैं मारता ही नहीं हूँ, एक काम करते हैं, अगर उसने मारा नहीं और उसे सिंपल डिफेंस दे दिया तो पॉन को, अगर हमने अटैक किया तो वो बोलेगा ठीक है तूने अटैक किया मैं डिफेंस देता हूँ। डिफेंस के दो तरीके थे, या तो c6 लाउ डिफेंस या फिर e6 डिक्लाइन, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ऑर्थोडॉक्स वेरिएशन। तो हम लोग इस बार इस पार्ट में देखने वाले हैं e6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन। इसने गैम्बिट का ऑफर दिया, ब्लैक ने ना बोल दिया आई डिक्लाइन योर ऑफर, उसने खेला क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन, e6 से डिफेंस दे दिया। अब ये तो बहुत सिंपल और बहुत इजी है, क्वींस गैम्बिट एक्सेप्टेड थोड़ा सा बड़ा था और बहुत छोटा ही है। लेट्स कंटिन्यू, क्या करना है पता है, याद है तुमको क्वींस, मैंने इंट्रोडक्शन टू d4 में एक सेटअप बताया था, उसमें क्या था, दो पॉन्स यहाँ से अटैक करते हैं, फिर एक नाइट यहाँ आएगा, एक नाइट यहाँ आएगा, एंड देन यू प्ले e3 एंड देन वी गो फॉर बिशप d3 एंड ऑल। बस वही है पूरा सेम सेटअप, एक बार शांति से वो सेटअप याद कर लो अपने दिमाग में, एंड देन आई स्टार्ट विद दैट थिंग। ओके या चलो हटा देता हूँ ये, एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो अहेड विद द सेट। ठीक है, इसके बाद सिंपल है, उसने एक डिफेंडर बढ़ाया, व्हाइट बोलेगा डेवलपमेंट प्लस अटैक, मैं एक डेवलपमेंट करूंगा और अटैकर बढ़ाऊंगा। ब्लैक बोलेगा डेवलपमेंट प्लस डिफेंस, मैं भी वापस डेवलप करूंगा और डिफेंडर बढ़ाऊंगा। ओके, अब व्हाइट ने दूसरा नाइट, तुम ध्यान दो क्वींस गैम्बिट में जनरली दो नाइट यहीं पर आते हैं, याद है। ओके, तो बहुत अच्छा सेटअप है, तुमको अच्छे से इजिली कंफर्टेबल हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके हाँ, तो वापस देख लिया एक बार, d4 d5 c4 e6 नाइट c3 नाइट f6, नेक्स्ट मूव नाइट f3। सिंपल, देखो याद रखना जनरली क्वींस गैम्बिट में ना ये तीन नाइट धड़ाधड़ आ जाते हैं बाहर, पहले ये नाइट बाहर आएगा, फिर ये नाइट बाहर आएगा, फिर ये नाइट बाहर आएगा, एक के बाद एक नेक्स्ट मूव, ये तीन नाइट के ना मूव जनरली कंटिन्यूस ही होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ओके, याद रखने के लिए बस एक इजी ट्रिक बता रहा हूँ, नॉर्मली ऐसे याद नहीं रखते, बस जस्ट बता रहा हूँ। नाइट f3, उसके बाद अपोनेंट ने खेला, यहाँ पे ना अपोनेंट देखो बिशप अपोनेंट कैन प्ले बिशप e7 आल्सो, बट अपोनेंट का ये रास्ता ना फिलहाल ब्लॉक्ड है, सो बिशप b4 इज अ गुड मूव व्हाट ही कैन गो पिनिंग की ट्राई। सो ब्लैक ने खेला बिशप b4 एंड कैसल ओपन करने का, व्हाइट विल प्ले बिशप d2। ओके सिंपल, बिशप d2 खेल के ये वाला पिन से बचने को, और अभी नेक्स्ट टाइम तुम्हें जब चाहिए तो नाइट भी हटा सकते हो। सर ये पॉन मर रहा है, डरो मत, मैंने सिखाया था कि नहीं e3 खेल के हम लोग एक्सेप्टेड में, वो कैसे e3 खेल के हम लोग बिशप से पॉन बाद में मार ही लेंगे, टेंशन मत लेना। और अब तो नाइट भी आ गया है b4 को रोकने के लिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तुम लोग खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, ओपनिंग खेलो, थोड़ा टाइम खेलोगे तो उसके बाद अपने आप तुमको उसमें हाथ बैठ जाएगा, मतलब तुम कंफर्टेबल हो जाओगे और इजीली रिकवरी एंड एवरीथिंग कर लोगे, एंड यू विल बी एबल टू प्ले इट इन द होम, प्ले वेल विद द ओपनिंग। ओके हाँ, तो क्या था, d4 d5 c4 e6 नाइट c3 नाइट f6 नाइट f3 बिशप b4, पिन से बचने के लिए बिशप d2, सिंपल। अब ब्लैक ने किया शॉर्ट कैसल, व्हाइट बहुत सिंपल एंड इजी मूव, बहुत सिंपल e3। कैन यू सी द सेटअप, डिड यू गेट द फुल सेटअप सेम व्हाट आई टॉट यू इन इंट्रोडक्शन टू d4, करेक्ट। d4 वाले में ये सेटअप सबसे ज्यादा कॉमन और अच्छा होता है खेलने के लिए, ठीक है, या तो सी एक पॉन इधर होगा या तो सी वाला पॉन इधर होगा, कहीं भी एक जगह जहां तुम्हें पसंद हो। हाँ, तो e3 नॉर्मल, अब डिफेंस खोल दिया, e3 खेला मतलब प्रॉब्लम इज सॉल्व, अब तो वो जब मारे तब हम बिशप से मार देंगे। अब यहाँ पर ब्लैक भी होशियार है, वो समझ गया अगर हमने मारा तो हम इससे मारेंगे, और यही फायदा होता है क्वींस गैम्बिट में कि अगर ये इसका पॉन का मूव वेस्ट होगा और हमारा बिशप डेवलप हो जाएगा, उसका पॉन चलाने का मूव गया, हमारा बिशप चलाने में गया, पर हमारा बिशप डेवलप हो गया जबकि उसका कुछ डेवलप भी नहीं हुआ और पॉन भी बाद में गायब भी हो गया उसका बोर्ड से वैसे। ओके, अब ब्लैक ने यहाँ पर सोचा अच्छा तो मैं तो मारूंगा नहीं, तो उसने खेला b6, क्यों, इन फ्यूचर मार के बिशप के लिए लाइन ओपन करने, अटैक करने को। तो हम भी होशियार है, हम क्या लल्लू दिखते हैं क्या, व्हाइट ने बोला रुक अभी बताता हूं मैं तेरे को, तू b6 खेल के बिशप यहाँ लाएगा ना, वो बिशप इधर लाएगा
So when we play this, he can use the knight. When we use the knight, he can again use the bishop and keep the line open for his bishop. So हमने क्या किया? Bishop आए, उसके पहले ही problem सुलटा दो. We decided to simply go for c cross d5 and he also killed with that. वो बोलेगा ठीक है चलो यहाँ से हमने बोला कि ले तेरा ये move bishop open करने के लिए था ना ये line ही हमने close कर दिया. वो बोलेगा चलो कोई बात नहीं ये line close तो close हमारे bishop के लिए ये line open हो गई तो भी चलेगा. वैसे और ये मूव पूरा वेस्ट नहीं है ब्लैक के लिए बिकॉज इन फ्यूचर उसको c5 खेल के अटैक करने में एक सपोर्ट मिलेगा. सो इट इज गुड फॉर हिम एंड इट इज गुड फॉर व्हाइट आल्सो. ठीक है कि उसकी लाइन क्लोज हो गई. दोनों को अपने अपने फायदे हैं. ओके एंड नेक्स्ट मूव कम्स द d4 सॉरी नॉट d4 bishop d3 मेरी बोलने में गलती हो गई. bishop d3 खत्म. बस इतना ही है. मैंने कहा था कि नहीं नेक्स्ट अब छोटे हैं. Queen's Gambit decline is small. Queen's Gambit slow defense is small. चलो let's go through okay, with it once or twice ताकि तुम्हें याद रह जाए फिर मैं तुमको doubts पूछने दूंगा. Okay? हाँ सबसे पहले d4 d5 उसके बाद c4 this is Queen's Gambit. अब उसने नहीं मारा. मारता तो accepted. वो हमें आता है क्या करना है e3 खेलना है पर नहीं मारा और उसने खेला e6 तो अब हम क्या करेंगे हम लोग अचार डालेंगे. अरे अचार नहीं डालेंगे हम लोग क्या करते हैं फटाफट डेवलप धड़ाधड़ नाइट्स निकालने चालू. उसने डिफेंडर बढ़ाया तो हम भी अटैकर बढ़ाएंगे. सो दैट इज नाइट सी थ्री नाइट f6. ओके इसने बोला अटैकर बढ़ाया. ब्लैक बोलेगा ले मैं भी डिफेंडर बढ़ाता हूँ. व्हाइट ने दूसरा नाइट डेवलप किया. कैन यू सी द सेटअप इज कमिंग अप इन द प्लेस फॉर व्हाइट. एंड जैसा मैंने कहा था एक बार एक नाइट आया तो c3 f6 f3 धड़ाधड़ नाइट आते जाएंगे बाहर. उसके बाद इसने खेला पिन कर दिया बिशप. इसने खेला बिशप b4 पिन किया नाइट को. व्हाइट ने खेला बिशप d2 पिन से बचने के लिए कि नाइट फ्री रहे हटना हो तो हट सके. वो मारेगा तो हम लोग बिशप से मार सकते हैं पॉन से मार सकते हैं हमारी मर्जी है. ओके हाँ बिशप से मारना स्लाइटली बेटर है बाकी तुम्हारी मर्जी एज यू विश बट आई वुड रेकमेंड यूज द बिशप टू किल दैट इज बेटर. हाँ अगर उसने मारा तो ठीक है. हाँ यहाँ पर वो बिशप हमने d2 खेला. ब्लैक ने चुपचाप से कैसल कर लिया चांस मिला तो हमने खेला e3 और हमारा सेटअप पूरा रेडी है. करेक्ट और नॉट याद है ना जो मैंने कहा था. और वी कैन वेरी इजीली प्ले विद दिस सेटअप. नेक्स्ट e3 खेला और e3 खेलते ही हमने हमारा इसका डिफेंस अश्योर कर लिया. अब तो कोई गैम्बिट का पॉन बनने का भी टेंशन नहीं है. मारा तो बिशप बाहर आएगा हमारा. नेक्स्ट उसने खेला b6 बिशप के लिए ओपन लाइन करने के लिए लाइन ओपन करने को और बिशप को ओपन लाइन पे रखने को तो हमने सीधा किल कर दिया. वो बिशप आए उसके पहले हम लोग किल कर देते हैं c cross d5 एंड बिशप d3. बस अब खेलो आराम से. ब्लैक अपना फॉर एग्जांपल रुक निकालता है. व्हाइट कैन गो फॉर अ कैसल. ब्लैक कैन गेट अ नाइट ओवर हियर एंड ही कैन इन फ्यूचर प्ले दिस. और एल्स इफ ब्लैक विशेस ब्लैक कैन आल्सो प्ले द बिशप ओवर हियर देन गेट द नाइट हियर एंड प्ले फॉर c5 एज यू विश. और व्हाइट भी बहुत सिंपली कैसल कर सकता है h3 खेल के अटैक कर सकता है. यहाँ ओपन लाइन में अपना रुक ला के अटैक कर सकता है एंड ऑल. दोनों के लिए बहुत अच्छा गेम प्ले का चांस है और बहुत कंफर्टेबल ओपनिंग है दोनों के लिए. ठीक है ओके इसी के साथ हमारा क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन जो है ओके हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं. दिस वाज पार्ट 3 ऑफ क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन और अच्छे से समझा होगा होप सो तुम्हें. ठीक है हाँ अब एक काम करते हैं फटाफट रिजॉइन कर लेते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट मूव में देखने वाले हैं क्विस्लाओ डिफेंस. ये वाला c6 खेला तो क्या नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4. कम ऑन गाइस रिजॉइन इन द नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 का. ओके रिजॉइन.